देखा करो तुम आगे बैठती हो, नहीं रिकॉर्ड बता दिया करो सर, नहीं होता ये ऑन ही नहीं किया हमने। टेंथ वाले बच्चे तो बता देते हैं, वो ऑफ भी कर देते हैं, ऑन कर देते हैं ऑफ भी कर देते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो उनका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है ना, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ दिस देयर वर सर्टेन ऑब्जर्वेशंस। सो ऑब्जर्वेशंस What were the observations that? Next page खोलो तो उसमें पता चलेगा। Most of the ये यहाँ पर लिखा observations। ये समझ गया। सफेद। इसके नीचे। Party। यहाँ इसके नीचे देखो। ठीक है। So observations क्या थे? Most of the fast moving alpha particle passed state through the gold foil। बोलो। Yes sir। Most of the क्या अल्फा पार्टिकल की स्पीड बहुत फास्ट होती है? मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग, और वो किससे निकलते हैं? अल्फा पार्टिकल रेडियोएक्टिव एलिमेंट। उनकी बात सही है, उन्होंने यूरेनियम बोल दिया, फिर आप वही बोल सर तो यूरेनियम, तो यूरेनियम से निकलते हैं, लेड चारों तरफ शील्ड होती है, किससे निकलते हैं? यूरेनियम क्या है? रेडियोएक्टिव एलिमेंट। सो मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा यूरेनियम होता है, तो अब उसमें आप यूरेनियम ना लो, आगे के कोई भी येलो कलर के ले लो, ठीक है, जितने भी है, रॉयंस्टेनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सीबोर्जियम, बोरियम, हेसियम, मेटनेरियम, कुछ भी ले लो, अभी सारे के सारे इनमें से कुछ ही ले लो, लॉरेंशियम, ठीक है, कुछ भी है, मॉलिब्डेनम, फर्मियम, कुछ भी ले लो, कैलिफोर्नियम है क्या, तो जो अल्फा पार्टिकल निकलता है वो हीलियम का न्यूक्लियस कहा जाएगा, उसको दो इलेक्ट्रॉन मिल जाए, हीलियम बन जाए, वो न्यूक्लियस से निकल रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं। सर सर जब कोई चीज इवेपोरेट होती है, जैसे पानी इवेपोरेट होता है, फिर उसके एटम्स को क्या, पानी इवेपोरेट जाए वो मॉलिक्यूल ही है, वाटर के मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल है वो, उनके बीच वीक बॉन्डिंग है पानी में, और इवेपोरेट हो जाए तो भी वो वाटर टाइप मॉलिक्यूल है। तो सर अंदर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता मॉलिक्यूल में, कुछ नहीं होता, एटम को भी पता नहीं चलेगा, और एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना क्या, मॉलिक्यूल की नहीं पता चलेगा, जैसे ये देखो ये एच एटम के अंदर एक प्रोटॉन होगा क्या, और एक इलेक्ट्रॉन होगा, और दूसरे एच एटम में क्या होगा, क्या एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होगा, और ओ में क्या होगा, ओ के सेंटर में कितने, क्या एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होंगे, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये इसमें कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और अगर ये तीनों एक साथ मिल जाए तो क्या H2O बन जाएगा, H2O, ये चीज इवेपोरेट होती है, और वास्तव में इस तरीके के बहुत सारे पार्टिकल पानी में एक साथ एक दूसरे के पास में बंधे रहते हैं, और अगर ये यहां से इनको तोड़ के अलग कर दिया जाए तो क्या ये वाटर वेपर बन जाए, तो बताओ इसको पता चलेगा कि इसको कि इन पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा कुछ, बल्कि इसके बाद यहां भी टूटे तो भी इफेक्ट नहीं, उसके अंदर टूटे तो बात, अगर इससे उसके अंदर का भी, यानी मॉलिक्यूल है जो इवेपोरेट हुआ वो क्या है बताओ, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल किससे मिलके बना, क्या एटम से, ये सब क्या है, एटम, एटम, तो एटम से मिलके मॉलिक्यूल बना, और एटम के अंदर क्या है, क्या सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूक्लियस, वो कौन कौन से, क्या बना, मॉलिक्यूल, सब जब आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो क्या उससे सॉलिड लिक्विड गैस बना देते हैं, तो ये मॉलिक्यूल अब आपस में बॉन्डिंग की, तो इसको क्या कहते हैं, क्या इसको कहते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जब मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है उनको क्या कहेंगे, क्या इन्हीं को आप वंडरवाल फोर्स भी कहती हैं, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का दूसरा नाम क्या है, जो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है उनका क्या नाम बताओ, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स, क्या इस, जब हम लोगों ने ये बताया था पहला चैप्टर कौन सा है, कि मैटर अराउंड अस, मैटर अराउंड अस में जो सब्सटेंस, क्या
मैटर इन अवर सराउंडिंग में ये बात कही थी कि उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी होता है, बोलो ये बात कही रही है। तो क्या इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से बॉन्ड कर दे, अगर वो तेजी से बॉन्ड कर दे तो क्या सॉलिड है? अगर वो थोड़ा सा वीक हो तो लिक्विड है, अगर बिल्कुल लेस फोर्स लग जाए तो उसे क्या कहेंगे? गैस कहेंगे। तो इससे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसका दूसरा नाम भी देख लो, क्या इसका दूसरा नाम आपने कभी भी ये पढ़ा है? वान डर वाल फोर्स। हाँ यस सर, ये तो इसके दो नाम है। तो ये क्या डिटरमाइन करता है? डिटरमाइन द फेज ऑफ लिक्विड, ये पदार्थ की अवस्था का ये जो है वो करता है। सर किसी भी फेज का बताएगा ना, तो डिटरमाइन, अगर ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो सॉलिड, और अगर थोड़ा वीक है लिक्विड, लिक्विड वीक हो गया तो सब मॉलिक्यूल के अलग अलग घूमेंगे और तब क्या उसे गैस कहेंगे। तो ये डिटरमाइन क्या करता है? डिटरमाइन फेज ऑफ मैटर। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टूट जाए तो क्या होगा बताओ? वेपोराइजेशन हो जाएगा। अगर वीक हो जाए तो, जब वीक हो जाए किसी चीज को अगर बहुत गर्म करो तो क्या वीक हो जाएगा? तो अगर वीक हो जाएगा, तो अगर वीक हो गया तो उससे क्या हो जाएगा कि अभी आप लोग बैठे हो, अब कोई आ करके लाठियां बरसाने लगे तो क्या मोबिलाइज हो जाओगे? और तेज बरसाने लगे तो एक करके बाहर ही निकल जाओगे क्या? तो पहले मोबिलाइज होंगे, तो क्या यही लिक्विड है? Yes, अगर एक एक चीज की पोजीशन है, इसी चीज को इतना गर्म किया जाए इस मैटर को, तो क्या इसके पार्टिकल इधर उधर हिलने डुलने लगेंगे? तो वो लिक्विड हो जाएंगे, और गर्म करो तो क्या ये वेपराइज हो जाएंगे? यही आइस और वाटर एंड वेपर में भी होता है। तो अब ये ऊपर जो उड़ा वो मॉलिक्यूल था कि एटम था? मॉलिक्यूल को अगर आपको तोड़ना है, अगर आपको किसी भी मैटर को वेपराइज करना है, तो क्या ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज? भाई हमने आइस था, आइस को हमने, आइस से हमने वाटर बना दिया और वाटर से फिर वेपर बना दिया। और अब मैं वेपर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना चाहता हूँ, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। तो हाँ आगे का हमने क्या पूछा क्वेश्चन? उसके अगला क्या पूछा? ऐसा नहीं बोलो सर, बता नहीं सकता इस बारे में, कुछ कह नहीं सकता, मुझे ठीक से पता नहीं, ऐसे बोला व्यवस्थित हो जाती थी ना। तो क्या बात कही अभी सर? पता नहीं क्या मालूम नहीं है, कुछ कह नहीं सकते सही बोला। तो जैसा इन्होंने कहा, तो जो वाटर से वेपर का बनना कौन सा चेंज है? ये केमिकल चेंज है, ये वान डर वाल फोर्स है। तो सीधे बैठो, दोनों ही नहीं, आप सीधे बैठो तभी बता पाओगे, क्योंकि आप गलती बता रहे हो और पीछे चले। क्या वान डर वाल फोर्स क्या होता है? कहां से नहीं सुना मैं, ये देखना चाहता हूँ आपने कहां से नहीं सुना, फिर वहीं से फिर से पढ़ाऊ सबको। वान डर वाल फोर्स क्या होता है बोलो? कह नहीं सकता सर, मैं तो अभी अभी आया हूँ, बोलो। ठीक है, वान डर वाल फोर्स क्या है? Yes, it is the force acting between two molecule which determines the phase of molecule over atom। अगर यहाँ पर क्या है कि ये बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, बोला एच एटम है तो, और दूसरा एच एटम में भी होगा मॉलिक्यूल में भी होगा। बहुत अच्छी बात कही, देखो जो एच एटम है क्या उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरे जगह में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? दो रह सकते हैं। तो ये लोग कहेंगे मेरे पास भी एक है, तुम्हारे पास भी एक है, तो हम इतना करीब आ जाएं कि मेरा इलेक्ट्रॉन तुम अपना मानने लगे और तुम्हारा हम अपना मानने लगे, तो क्या इन दोनों के बीच बॉन्ड बन गया? अभी H2 बन गया। तो ये जो H2 बन गया है, तो क्या एच और एच के बीच में एक बॉन्डिंग हो गई है? तो ये जो बॉन्डिंग हुई है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा बॉन्ड है? क्या ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है कि केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड अलग है। केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 500 किलो जूल एनर्जी देनी होती है, जबकि इसको तोड़ने के लिए 15 किलो जूल। वान डर वाल फोर्स को तो ऐसे हल्की सी आग लगाओ, आइस पिघल जाएगी, पानी बन जाएगी, लेकिन H2 को क्या HH में बदल दोगे? तो द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन एटम, ये बिटवीन मॉलिक्यूल है, अ बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन एटम इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। वो या तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से होगा, और जैसे सोडियम और क्लोरीन में भी हमने पीछे बताया था, सोडियम देता है तो क्लोरीन ले लेता है, ऐसा बताया, तो वो आयनिक बॉन्ड होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या ट्रांसफर से बने उसे क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्ड। और जो सिंपली ऐसे ही उनके मास की वजह से हो, जैसे ग्रेविटेशन की वजह से, तो
वो दूसरी चीज हो गई। तो ये चीज केमिकल बॉन्ड है। बॉन्ड दो तरीके के हैं, एक कौन सा होता है केमिकल। अगर यहाँ पर अगर आपने वांडर वाल फोर्सेस को तोड़ा तो क्या वो फिजिकल चेंज है? और अगर केमिकल बॉन्ड को तोड़ दिया तो कैसा चेंज है? यही चीज कही जाती है, यानी कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटम्स इज कॉल्ड केमिकल चेंज, और कन्वर्जन ऑफ स्टेट इनटू अदर स्टेट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। और बात समझ आ गई, इट इज नॉट द इश्यू विद विच वी आर कंसर्न, हम इससे तो कंसर्न नहीं है, फिर भी आपको बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स फास्ट स्टेट, तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स निकले थे ये किससे निकले थे पवन? यूरेनियम। फास्ट स्ट्रेट थ्रू, गोल्ड फॉइल। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन था, दे फास्ट स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉइल। Some of the alpha particles were deflected. Some of the alpha particles were deflected by small angles. ज्यादातर सीधे निकल गए क्या? Yes, sir. और लेकिन बहुत थोड़े ऐसे थे जो small angles पे deviate हुए। और सर एक था जो कि 180 पे आ गया। अब कोई एक ऐसा था जो लौट आया, ऐसा भी था कि बहुत सारे जो है गोल्ड फॉइल से सीधा निकल। क्या लिखा है फास्ट मूविंग के बाद? फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल। और सर उसके बाद फास्ट स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉइल अनडेविएटेड, जो सीधे ही निकल गए, तो फास्ट स्ट्रेट हुआ कि नहीं? These are very fast moving, high energy particles. और ये स्टेट निकल गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो थोड़े अंदर पर 5 डिग्री 10 डिग्री पर हुए, यानी यहाँ पे कह सकते हो कि 12,000 में 15-16 बस इतने ही स्मॉल है, और 12,000 में एक ऐसा रहा जो लॉ। तो अब तीसरा क्या है? सरप्राइजिंगली वन आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर्ड टू रिबाउंड। तो एक ऐसा था जो पलट गया, ये वन है, 180 डिग्री पर रिवर्सल हो गया, ऐसा बताएगा ना। तो ये ऑब्जर्वेशन है। क्या इसके ठीक नीचे ये लिखा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे टिश्यू पेपर पर हिट किया और एक बॉम्ब शेल वापस आया? आपकी बुक में भी लिखा है। यस सर, यस सर। तो इतना सरप्राइजिंग होने लगा। आप बोलो क्या कहते हैं? डिटेल नाइन की बात क्या है? डिटरमाइन फेज ऑफ मैटर। तो अगर कैसा केमिकल बॉन्ड है, क्या उससे फेज ऑफ मैटर का पता चलता है कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस? ओके, तो इससे हमें ये पता चल जाता है ना। अब जरा देखो, ये तो बात हुई कि रदरफोर्ड ने क्या देखा, क्या कुछ उन्होंने देखा तो वो कंक्लूड करेंगे, कहेंगे भाई सीधे क्यों निकल गए सारे? तो पहले वाले पॉइंट का कंक्लूजन बताओ। ये जो देखा, ये चीज इसको क्या कहते हैं? प्रेक्षण। बोलो क्या? जो ऑब्जर्वेशन को प्रेक्षण कहते हैं और कंक्लूजन को क्या कहते हैं बताइए। ये ठीक कह रहे हैं, निष्कर्ष। तो जब कोई चीज आप देखते हो तो उसके आधार पर कुछ निर्णय लेते हो क्या? यू कंक्लूड समथिंग। सो अब जरा अगले 3 पॉइंट देखिए, क्या ये कंक्लूजन है? What are the conclusion? As most of the space inside the atom is empty. अगर मान लो सोलर सिस्टम पे बहुत सारे एस्टेरॉइड का अटैक हो, अगर 12,000 एस्टेरॉइड, जाओ आप मास्क लगा रहते हो, आप भी नहीं देखते क्या बोल रहे हैं? ठीक है, इसीलिए सफोकेशन हो जाता है। तो भी लग रहा है? हाँ? चलने का? चल, अमाउंट मास्क कर देते हैं। इतना प्रॉब्लम हाई कर देते हैं।
रोटेशन पे भी डाल देते हैं। इसीलिए तो सारे ऐसे चले गए, ठीक है। सो most of the alpha particle passed undeflected. So इस पहले point का conclusion. So most of the alpha particle इसका इस तरीके से, अब एक atom है, इस atom में क्या 79 proton है? अच्छा, जो Au है gold, जरा उसमें देखो उसका atomic mass क्या है? 11th पे, 11th group में 79 तो प्रोटॉन है। अब उसमें एटॉमिक मास भी तो देखो, 196 में से 79 माइनस कर दो 197 में जरा ये माइनस करो कितना बचता है 8 तो क्या 1 1 8 न्यूट्रॉन हुए इसके चारों तरफ पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट में 8, फिर 32 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 2n स्क्वायर के हिसाब से आपको बता रहे हो, 2 into 1 square, क्या 2 into 2 square 8 होता है, और 2 into 3 square तो 9 होता है, 9 to 18, और 2 into 4 square क्या ये 32, क्या इस हिसाब से माही ने बताया, माही ने 18 क्यों बताया, इसके बाद 50 समझ आई बात की नहीं, क्योंकि 2 into 3 square 2 into 4 square, बोलो इतनी बात सही है, फिर 50 आ जाएगा 2 into 5 square। अब इस तरीके से चलेगा, अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता रहा तो 10 और ये 50 60 तो यही होगा, अब उसके बाद 19 बच रहे कि नहीं, 60 तो खत्म हो गए, और 19 है तो 19 में जो और एक ऑर्बिट बचेगी बाहर वाली ऑर्बिट में, 19 में से अब यहाँ पर देख लो ये कौन सा है, AU 6th में है, तो इनमें ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, वो बाद में बताया जाएगा कि किस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, एट एंड वन का जैसा भी होगा, ठीक है। अब देखो तो अगर इसमें बम्बार्डमेंट हो तो क्या बहुत सारे स्पेस खाली भी ऐसे निकल जाएंगे, अब उधर कर देंगे बता दीजिएगा। ये देखो न्यूक्लियस के पास से कितने गुजरे, क्योंकि न्यूक्लियस ही डिफ्लेक्ट कर सकता है, जीरो निकले, तो जो न्यूक्लियस से हिट करेगा वही तो, या तो टेंजेंशियली हिट करे या इससे यहाँ पे हिट करे किनारे पे, तो ऐसा चला गया सर, इसे मेरी तरफ आपका देंगे, और ये देखो ये बीच में हुआ तो ऐसे आ गया, क्या हेड ऑन कोलिजन और टेंजेंशियल कोलिजन, क्या चीज बताएंगे, हेड ऑन पे 180, और अगर यहाँ टकरा जाए तो 180 हेड ऑन का मतलब ऐसे, और एक ऐसे, इसको कहते हैं टेंजेंशियल, 179 पे हुआ है वहां पर, वो जो चला गया वापस जिस रास्ते से आया, अगर वहां चला गया तो वहां जिंक सल्फाइड वहीं लगा दोगे तो आएगा कैसे, तो एक डिग्री तो छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा स्लिप तो देना पड़ेगा ना, और फिर थोड़ा फिर वहां चला गया तो आप देख भी नहीं पाओगे, पता नहीं आया था भी कि नहीं आया था, आपको पता भी चलेगा क्योंकि उसी रास्ते से आया, उसी से चला गया कोई, तुम्हारे घर पर कुंडी खटखटा के चला गया कोई, तुम्हें क्या पता चलेगा, ऐसे अगर खटखटाए बगल में पूछ के गया ये है तब तो तुम्हें पता भी चल जाएगा, तो पूछने चाहिए ना किसी से, इतनी बात समझ आई। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, ओके। अब आगे देखो, अभी ठीक है, अब लॉक कर दिया तो बताना, जैसे ही ठंड लगे तुरंत बता देना, हम इधर उधर कर लेंगे। एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, पहली बात समझ आई? Yes sir। दूसरा देखो, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय, तो अगले का कंक्लूजन क्या है, वेरी फ्यू पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम पाथ इंडिकेटिंग द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल डिस्टेंस, इससे क्या पता चलता है, सारे कितने पॉजिटिव चार्ज है इसे बताओ, 79
तो सारे पॉजिटिव चार्ज या किसी छोटे से एरिया में कंसंट्रेटेड है, इसीलिए बहुत थोड़े से पार्टिकल लिटिल एंगल पर। जरा पढ़ो बुक में कहाँ लिखा है, सेकंड पॉइंट देख रहे हो कंक्लूजन में, सेकंड में क्या लिखे, ये तो फर्स्ट कंक्लूजन है। तो सेकंड कंक्लूजन है वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर। ये क्यू है ऑब्जर्वेशन पे कंक्लूजन है ना भाई, इन पहले पॉइंट पे पहले ऑब्जर्वेशन, अब फ्यू डिफ्लेक्ट हुए, इससे क्या पता चला कि सारा पॉजिटिव चार्ज किसी छोटे से वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है, तभी तो वही उसके पास से जो गुजरेगा वही तो डिफ्लेक्ट होगा। सर अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली जा रहा है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है तभी तो प्लस से प्लस डिफ्लेक्ट हुआ, और नहीं तो इसी की तरह ना अट्रैक्ट होकर उसी में ना गिर जाता। सर उसी में कैसे गिरेगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसी पे नहीं गिरा भाई, वो भी पॉजिटिव था वो भी पॉजिटिव, इसीलिए तो पास आया और रिपेल कर गया। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन होता तो क्या उसी में फॉल ना कर जाता, सिंक ना कर जाता। तो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, इससे क्या पता चलता है पॉजिटिव चार्ज, सो ऑल पॉजिटिव चार्ज इज कन्फाइंड विद इन ए वेरी स्मॉल रीजन, है कि नहीं, ऐसा ही लिखा जो लिखा बिल्कुल वही लिखना है। सो ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, सो स्पेस। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक मीटर का एक स्फीयर बना लो तो एक जो पिन कंटेंट होता है ना पेपर पिन कंटेंट वही न्यूक्लियस, इतना ही बड़ा है। अब तीसरे चीज क्या, जरा थर्ड पॉइंट देखो, वन आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर्ड टू रिबाउंड, ऐसा पता चला कि वो लौट गए हैं। तो इसके बेसिस पे थर्ड कंक्लूजन क्या लिखा था उन्होंने, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। तो इससे ये पता चला indicating that all positive charge and mass of gold foil is concentrated in a very small volume within the atom. इससे ये पता चला, बीच वाले से क्या पता चला कि positive charge confined है, और तीसरे से क्या पता चला all मतलब most of the mass, सारा mass तो नहीं क्योंकि electron बाहर है ना। ये observation का third point है कि surprisingly ये जो लौटा है ना, ये 12,000 में से एक रिबाउंड कर गया। रिबाउंड का मतलब क्या होता है, जैसे किसी पे मारो और वो बॉल तुम्हारी तरफ आ जाए तो उसे रिबाउंड कहते हैं, 180 पे आ जाए, गई ये टक्कर काके आ गई, तो जब ये रिबाउंड कहलाता है। तो ए स्मॉल पोर्शन फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180, यही तो रिबाउंड है। इससे क्या पता चला, अगर हेड ऑन कोलिजन करेगा तभी रिबाउंड करेगा, और टेंजेंशियल कोलिजन करेगा तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे उड़ जाएगा। दो चीजें, तो अब कभी आपने ऐसे कैरम बोर्ड खेलते समय किसी भी गोटी पे टेंजेंशियली कोलाइड किया स्ट्राइकर को, एक होता है सीधा मारो, एक हल्का सा मारो गोटी से दूर चली गई, ऐसा करते हो कि नहीं करते हो, तो उसी तरीके से। तो अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री इंडिकेटिंग दैट ऑल पॉजिटिव चार्ज, इंडिकेटिंग दैट ऑल पॉजिटिव चार्ज, अगर कार्तिक में ये बोल दूं ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑल मास, तो क्या ये सही सेंटेंस है कि गलत? यस सर। बोलो सर, गलत है। क्यों सर? मास कैसे होगा सर? हां बोलो, डिफरेंट करते हैं ना, ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ऑल मास नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर रह गए, जैसे कह दो सारे व्यक्ति यहां हैं उनके पेन इधर उधर पड़े हैं, क्योंकि मास तो इलेक्ट्रॉन तो छोटे छोटे होते हैं ना, तो वो प्रोटॉन के बराबर नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द मास इलेक्ट्रॉन को छोड़ना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट्स में है सर, ऑर्बिट्स का भी मास होता है, ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन है उनका मोतियां नहीं देखी है सर, ऑर्बिट तो आप ये समझो, ये सोचो कहीं आप ये तो नहीं सोचो कि इतना बड़ा प्रोटॉन होगा तो इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन होगा सर, ऐसे तो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा ना, मटके के बराबर होगा, तो इलेक्ट्रॉन सरसों के दाने के बराबर, तो ये नहीं कहना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द मास इज एट सेंटर,
कहना चाहिए, लेकिन और मास है द सेंटर ना कहना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छूट गए। वो तो बात समझ आई, मोस्ट ऑफ द मास कह सकते हो, ऑल मास कहना गड़बड़ी हो जाएगी, फिर टीचर काट देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चाहे कुछ भी मास हो है तो बाहर, क्योंकि न्यूक्लियस से बाहर नहीं है, है सर। तो इसलिए ऑल पॉजिटिव चार्ज बुक में यही सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑल पॉजिटिव चार्ज मास ऑफ वो इलेक्ट्रॉन, देखो फिर भी मास लिखा है, मोस्ट ऑफ द मास नहीं लिखा, ये बुक की गड़बड़ी है, एंड मोस्ट ऑफ द मास जबकि 11 12 की बुक में लिखा है। सर इसका भी कोई कर दीजिए उस तरह, इस कंसंट्रेटर बोलो अनुराग क्या कह रहे हो सर, इसका भी कोई वीडियो होगा क्या, ये करके दिखाएगा सर, ये जो आप लिख रहे हैं जो ये, तो उसमें जो ये दिखाया है उससे कंक्लूजन निकाल लिया गया, जो हमने देख रहे थे कि कितने कितने एंगल पर जा रहे हैं, तो उससे ये पता चला मोस्ट ऑफ द मास उसी में है, क्योंकि अगर हम किसी प्ले ग्राउंड में जाए बीच में मकान है तो उस मकान से जो लोग टकराएंगे वो इधर उधर चले जाएंगे, बाकी तो आराम से गुजर जाएंगे सर, तो वो मोस्ट ऑफ द मास इज इन द एविडेंस। सर जब अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे तो वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स से क्यों नहीं, वो टकरा रहे थे, बट नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन सरसों का दाना, तुम्हारी फुटबॉल अगर सरसों के दाने से टकरा है तो जैसे तुम इतने बड़े प्रोटॉन को लेके आओ, यहाँ एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, क्या वो डिफ्लेक्ट कर पाएगा कि वो खुद ही डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन तो डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, जैसे बहुत बड़ी ट्रक है कह दो वो साइकिल से टकराई थी बेचारी नीचे दे दी, कितना गलत हुआ ऐसा बोलो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, देयर इज नो चांस ऑफ इट ना, कि तुम एक रास्ते में जा रहे थे दौड़ के चींटी से टकरा के नाली में हो पाएगा क्या, नहीं हो सकता ना, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में खुद ही दो प्रोटॉन है दो इलेक्ट्रॉन है, और एक प्रोटॉन 2000 गुना भारी, और दो प्रोटॉन 4000 गुना भारी है, दो न्यूट्रॉन भी है, 8000 गुना तुमसे कोई भारी चीज हो, और वो सोचे एक छोटे से दाने से टकरा जाए क्या होगा, चार फुटबॉल आके एक से टकरा कुछ होगा क्या, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन से टक्कर की कोई बात ही नहीं है, तो इसलिए इस कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल रीजन, इन ए वेरी स्मॉल रीजन, ये कंक्लूजन हो गया। ओके इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बताना पड़ेगा आपको जो पूछेंगे, फिर ये ना करें या खुद पूछो हमसे, क्योंकि ये जो केमिस्ट्री का माइल स्टोन है रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। सर आपने बोला था ना किसी एक एक्सपेरिमेंट के बाद ये बदल जाता है, इसके बाद केमिस्ट्री बदल गई सर, तो अभी की जो केमिस्ट्री है वो सही है, वो रदरफोर्ड के बाद की है, कोई सही केमिस्ट्री है भी? सही केमिस्ट्री का साइंस तो तरक्की करता ही चला जाता है, अब देखो इसके बाद अब एटॉमिक मॉडल, नाउ आफ्टर कंक्लूजन रदरफोर्ड रिप्रेजेंटेड हिज ओन एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम इन 1919 में उन्होंने अपने परमाणु की संरचना की रूपरेखा प्रस्तुत की, तो नहीं होगा क्योंकि 1908 तक तो इन्हें नोबेल प्राइज मिलेगा, उससे पहले का आया ये 1905 होगा, अभी हम देख के बता रहे हैं सर। मैंने एक जगह ऑक्टेट पढ़ा था, OCTET सर, वो क्या होता है? अभी आ गया ऑक्टेट, इन लोगों को हमने पहले बता दिया था पिछले चैप्टर में, लेकिन अभी हम फिर से बताएंगे, एटॉमिक मॉडल ऑफ, ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, अब उनका रदरफोर्ड से था, क्या है इनका मॉडल, इसके बेसिस पे जब उन्होंने कंक्लूजन निकाल दिया कि ज्यादातर स्पेस खाली है, तो देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एंड एटम, इसको पढ़ो, इसको अगेन ट्रस्ट भी देंगे, देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, इसी चीज को पढ़ो सर, मॉडल का बस, हाँ सिर्फ मॉडल का, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज छोड़ी जा सकती है, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम, सेंटर इन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, कॉल्ड न्यूक्लियस, नियरली ऑल द मास ऑफ एटम, उसमें सारा क्या है, क्या ऑल मास ऑफ एटम, सारा मास तो नहीं है ना, नियरली ऑल, नियरली लिखा है, नियरली का मतलब समझते हो ग्रामर में कि करीब करीब, पूरा तो नहीं लेकिन करीब करीब, ऑल मास ऑफ एटम
तो न्यूक्लियस में क्या है? जैसे अगर बताओ सेल में न्यूक्लियस की खोज किसने की? मतलब रहता है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट। जैसे इसमें घूम रहे हैं, ये सिर्फ रह नहीं रहे, ये चक्कर भी लगा रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट। वेल डिफाइंड और थर्ड क्या है? द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। क्या ये न्यूक्लियस बहुत छोटा है वास्तव में? जितना बड़ा मैं बना रहा हूं उतना बड़ा नहीं, उससे भी काफी छोटा है। कमरा है तो इसमें बॉल है। जोधपुर में बॉल में? जोधपुर में बॉल? अच्छा, कमरे में बॉल नहीं। कमरे में बॉल तो कोई भी देख लेगा, कहेगा वो तो बॉल रखती है। जो एक बॉल इतना ही वो कॉस्को। इस कमरे में आप छोटो पेन का डॉट वो न्यूक्लियस होगा। हाँ, और अगर मान लो एक मीटर का स्पीयर है तो पिन का डॉट। सर तो पेन का डॉट बड़ा होता है ना, अब पिन पेपर पिन का डॉट तो बहुत छोटा होता है सर। और उसी छोटे से डॉट में सारा मास 99.99% ऐसा। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। यानी आप ये समझो कोई बहुत भारा हो मरकरी, अब मरकरी को थर्माकोल के बड़े से उसमें रख दिया जाए तो बोलो सारा मास कहाँ पे है? उसी मरकरी में ही तो है। अब बाकी थर्माकोल का कितना मास होगा? कुछ मास नहीं होगा। तो बोलो ऐसा ही एटम। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम और इस मॉडल को क्या कहा गया? तो ये जो भी है इस मॉडल इज बेस्ड ऑन सोलर सिस्टम, रिजेंबल्ड टू सोलर सिस्टम। इस मॉडल सर ये अलग से पॉइंट ऑफ रिकॉर्ड है? नहीं, बस हिज मॉडल रिजेंबल्स टू सोलर। जैसे उसमें नहीं कहा था प्लम पुडिंग मॉडल, वो लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखेंगे तो भी चल जाता है। तो फिर भी ये बताया जा रहा है कि जैसे सोलर सिस्टम में सब घूमते रहते हैं ना, तो वैसे ही इनके में भी हैं कि घूमते रहते हैं और इनका मॉडल बनाने को आए। तो बीच में बाद में जब न्यूट्रॉन की खोज हो गई तो न्यूट्रॉन भी इसी में डाल दिया गया। बोला न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी है 32 में, तो बोले यही मॉडल है, बस न्यूट्रॉन और रख दो। क्या इसमें न्यूट्रॉन रखा गया है? रखा गया है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और फिर ग्रीन इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों रखे जा सकते हैं। इसमें आप कुछ क्या रख सकते हो सेंटर में? बोलो न्यूट्रॉन। या जो पुराना भी मॉडल देखा था तो वो जो ईयर रिंग्स है उसमें भी न्यूट्रॉन है, या हमने भी जो आपको दिया क्या उसमें भी न्यूट्रॉन है? जरा चेक करो, उस बुकलेट में भी है नोट्स में, क्या वहां न्यूट्रॉन नहीं है? ये खैर उसमें सॉलिड बना हुआ है, लेकिन जो नोट्स है वहां दिखाया गया पहले पेज पर, जैसे वो देख रहे हैं प्रत्युष, तो उनके में पहले पेज पर दिखाया जा रहा है। समझ आई बात की नहीं? तो और इनके चारों ओर क्या है, इसे क्या कहते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट और ऑर्बिट क्या क्या सर्कुलर है? व्हाट डज इट मीन बाय ऑर्बिट? ऑर्बिट इमेजिनरी सर्कुलर पाथ। ये अच्छा बताया, ऑर्बिट सर इमेजिनरी सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। ये ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट सारी इमेज, और ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे एंड न्यूट्रॉन्स, और ऑर्बिट्स में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये एटम है, मॉडल ऑफ एटम, मॉडल ऑफ ऐसा। सो हिज मॉडल रिजेंबल्स टू सोलर सिस्टम। जरा इसको एक बार आप लोग देख लें ये क्या कह रहा है, और एक एक करके पॉइंट बताएं। सर टेस्ट नहीं होगा ना? टेस्ट होगा, पहले तैयार तो करा दें आप लोगों का, नहीं तो दोगे कैसे टेस्ट? सर याद हो गए लेकिन अच्छे से।
से जनरेट होता है बता दीजिए। ओके नाउ सर आपने अलग लिखा है बुक से अलग नहीं होगा सर मैंने फाइंड ऑर्बिट आपने लिखा है मेरे बुक में तो सर सर्कुलर पाथ लिखा है सर मेरे बुक में सर मैंने फाइंड ऑर्बिट नहीं लिखा है देखो सर्कुलर पाथ अभी आपने क्या कहा सर्कुलर पाथ को ही वेल डिफाइंड ऑर्बिट करते हैं तो एक ही चीज है सर ये भी लिखने तो चलेगा इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट ऑर्बिट्स क्या है सर्कुलर ऑर्बिट्स आर सर्कुलर पाथ और सर्कुलर और प्लेनर है क्या थोड़ा सा और आगे जब 11th पे जाओगे ना तो सर्कुलर प्लेनर पाथ हो जाएगा है ही नहीं का मॉडल अगर आप गूगल सर्च करोगे ना तो आपका अंगूठा थक जाएगा लेकिन रदरफोर्ड नहीं कम होगा विकिपीडिया इतनी मोटी बुक लिख के गए भाई हम एमएससी पढ़ के आए अभी एग्जाम देकर रदरफोर्ड ही नहीं खत्म हो रहा है एमएससी कर लिया रदरफोर्ड ही नहीं खत्म हो रहा है 10th में रदरफोर्ड 11th में रदरफोर्ड 12th में रदरफोर्ड बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एमएससी पार्ट 1 पार्ट 2 रदरफोर्ड ही नहीं खत्म हो रहा कितना रदरफोर्ड है तो अब ये 12th की बुक में भी आधा रदरफोर्ड है ये ना सोचो कि हमें तीन पढ़ लिया तो हो गया था अभी तो आपको सिर्फ परिचय कराया जा रहा है बहुत ज्यादा काम करके गए सर तो जो अभी लेटेस्ट एटम्स की डिस्कवरी है वो ठीक है हर एक चीज में और चीजें डिफाइन होती रहती हैं तो सभी चीजें से आपने न्यूटन के थ्री लॉज ऑफ मोशन पढ़े ना वो अब बदल जाएंगे आगे चलने पर 10th में कुछ और ही पढ़ोगे तो इसी तरीके से होता ना चीजें बढ़ेगी जब आप माउंटेन में ऊपर चले जाते हो तो कहोगे अरे यहाँ तो मानसरोवर भी है कैलाश पर्वत पे चढ़ोगे यहाँ तो झील भी दिख रही तो कुछ और व्यूज मिलेंगे कि नहीं फ्रॉम टॉपर यू गेट द बेटर व्यू तो अभी नीचे से तो नहीं देखा जा सकता पता नहीं मानसरोवर कैसा होगा ऊपर जाने को पता चलेगा तो वही चीज है तो यहाँ पर आपके पास 3 पॉइंट्स हो गए दैट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस अब इसका फर्स्ट पॉइंट बोलो सर देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर ऑफ द एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस नियरली होल मास ऑफ द न्यूक्लियस रिजाइड्स इन द नियरली होल मास ऑफ द एटम रिजाइड्स इन द न्यूक्लियस ठीक है सेकंड पॉइंट सर द इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स revolves around the circular path of an nucleus around the circular path to khud hi circular path mein ghumte tum keh rahe around the circular path around nucleus in a circular path in circular path third point the size of a nucleus is the more as compared to the size of the atom First point. There is a positively charged center in an atom called nucleus. Nearly all mass of an atom resides in nucleus. Second point. The electrons revolve around the nucleus in circular path. Third point. The size of the nucleus is very small as compared to the size of atom. First point. सभी बोल रहे तो आप कौन से स्पेशल हो वही मक्खन खा रहे क्या सभी बोल आप ही बोलो पॉइंट बोलो फर्स्ट पॉइंट देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस नियरली ऑल द मासेस ऑफ द एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस मासेस नहीं बोल रहा आप बोलो सेकंड पॉइंट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द एटम न्यूक्लियस इन अ वेल डिफाइंड ऑर्बिट थर्ड पॉइंट बाकी के पॉइंट याद करो मेरे पास ओके इतनी बात हो गई और इतना बनाने के बाद ये मॉडल ऑफ एटम बनाना सेंटर में न्यूक्लियस लिखना प्रोटॉन पे प्लस लगाना ये भी ध्यान दे लो और ऑर्बिट है ऑर्बिट सीधा प्रोटॉन न्यूट्रॉन लिखते हैं प्रोटॉन और यहां ऑर्बिट है ऑर्बिट में क्या दिखाओगे दो इलेक्ट्रॉन कुछ इलेक्ट्रॉन यहां भी दिखा दो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखा देना और थर्ड 8 सेकंड में फर्स्ट में 2 सेकंड में 8 और थर्ड में 1 ऐसे दिखाते तो ये चीज है कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहे हैं तो ऐसा दिखाया गया है तो ये कौन सा मॉडल है क्या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कितना काम करना है आपको अब मैं इसे हटा दे रहा हूं नाउ
सर रिजेंबल भी कितना रिजेंबल एक मॉडल रिजेंबल एक मॉडल जो बुक में बस उतना ही इंपॉर्टेंट है ये भी बना रहा है ये तो चल रहा है स्टेट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम स्टार्ट कर दे के मॉडल का क्या ड्रॉबैक था बताओ थॉमसन के हाँ देखना ड्रॉबैक वो क्यों फेल हुआ सर वो बोलता था कि सारे इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस में आके ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन मॉडल सर वो बोलता थे कि एटम इज अ पॉजिटिव चार्ज सर लेकिन असलियत में थॉमसन मॉडल का ड्रॉबैक क्या था एज इट कुड नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट सो इट फेल्ड क्या ये उनके एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर सका वो पूछने गए थॉमसन से कि बताओ तो जरा इसमें क्या चीज है जो इसको रिबाउंड कर रही है कौन सी चीज इस तुम्हारे एटम में तुमने तो बोल दिया पूरा मास सब जगह फैला हुआ है क्या इलेक्ट्रॉन से टकरा के लौट रहा है तो वो कुछ बोल पाए बोलो किससे टकरा के लौटा अगर टकरा के लौटा तो बोलो या तो इलेक्ट्रॉन से टकरा के लौटा और एटम तो सभी से तो नहीं होता ना इलेक्ट्रॉन से तो हो ही नहीं पाएगा तो वो बता ही नहीं पाए कि किसी उन्होंने कहा था कि सारा पॉजिटिव तो एक स्फीयर है तरबूज तो तरबूज में गोली मारो गोली लौट आए इसका मतलब क्या उसके पल्प से टकराया है लौटी है क्या कुछ है ना या तो बीज से टकराया है बीज से टकराने पे हिम्मत नहीं कि वो गोली को लौटा दे तो या तो तरबूज में कोई सॉलिड पार्ट होगा जिससे टकरा के लौटी है नहीं तो तरबूज में किसकी हिम्मत है कि गोली को लौटा दे तो थॉमसन के मॉडल में कोई ऐसा सॉलिड पार्ट था जिससे टकरा के वो लौट सकता या कोई एक पॉजिटिव ऐसी चीज थी जो रिपल कर पाती तुमने तो पूरे एटम को ही पॉजिटिव मान लिया तो अब क्या चीज रिपल करेगी अगर 79 प्रोटॉन एक जगह हो तो उनमें ताकत है रिपल्शन की कि पूरे जोधपुर में फैला दो तब है चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए एक जगह सारा चार्ज एक जगह तभी तो रिपल कर सकेगा क्या थॉमसन एक्सप्लेन कर सके इनके इन मॉडल को अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एज थॉमसन मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हेंस इट इज फेल्ड एज थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट Hence, it is failed. तो ये इनका drawback है, ये कमी है. Now drawback of Rutherford's model. Rutherford model क्यों fail हो गया? Sir, Neil Bohr. ये ठीक कह रहे हैं. Sir, orbit में आ गए ना? Sir, ये orbit का नहीं बताते थे. बिल्कुल सही. Sir. एक चीज एक सीधी रेखा में चलती चली जाए लीनियर पाथ में
विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन स्पीड, तो उसको सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं कहते, उसका एक्सेलरेशन जीरो हुआ, वो यूनिफॉर्म मोशन हुआ कि नहीं, ये वहां से लौट जाए। अगर कोई चीज सर्कुलर चल रही है अर्थ, तो भी क्या वो एक्सेलरेट कर रहा है? क्योंकि हर पॉइंट पे क्या अपनी डायरेक्शन बदल रही है, डायरेक्शन के चेंज से भी एक्सेलरेशन है। क्या ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्या ये भी एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? अगर बिल्कुल एक स्पीड से चले तब भी एक्सेलरेशन होगा क्या? क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। और डायरेक्शन क्यों बदल रही है? क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स है, सेंट्रल से खींच रहा है, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा, क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता ही। डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, अगर डायरेक्शन बदल गई तो वेलोसिटी कांस्टेंट रही क्या? तो इस तरीके से अगर कहीं भी एक्सीलरेशन है तो क्या उसके पीछे कोई फोर्स है? अर्थ एक स्पीड से चल रही है सन के चारों तरफ, तो क्या ये एक्सीलरेटिंग मोशन है अर्थ? और अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो क्या इसकी डायरेक्शन कौन बदल रहा है? क्या इस पर लगने वाला कोई फोर्स? अर्थ तो मजे मजे में जा रही थी, लेकिन इसका यहाँ आने पर सामना इसका किससे हो गया? सूर्य से क्या? तो जब ये अर्थ जा रही थी तो अर्थ दूर से आई, यहाँ आ रही थी, यहाँ आ रही, यहाँ तो सन है, तो सन ने कैसे खींच लिया? अब इधर जा पाएगी कि इधर जाएगी? स्पीड इधर जा रही, जैसे कोई चीज सीधी सीधी चली जा रही है, ऐसे किसी ने इसे इसे हाथ मारा तो टर्न नहीं कर जाएगी, मारता जाए फिर और टर्न कर जाएगी। तो अब सीधा मजे मजे जा रही, किसी ने फोर्स लगा दिया तो सीधे गई और इसने फोर्स लगा दिया क्या? तो ये इधर हो गया, अब इधर गया, तो क्या सन ने कहा नहीं अभी भी कहां जा रही हो, मेरी तरफ आओ, है ना? तो ये चीज हो गई, तो फिर तो ये इधर जा करके फिर इधर आएगी क्या? फिर इधर जाएगी, फिर सन ने इधर किया तो फिर किधर जाएगी? इधर चली जाएगी। तो क्या ये सर्कुलर हो गया कि नहीं? बोलो बात समझाएंगे, किसी फोर्स ने उसको टर्न किया, फोर्स ना होता तो क्या इसकी डायरेक्शन बदलती? ये तो अपने डायरेक्शन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन से चलती चली जाती सीधे। ऐसा ही इलेक्ट्रॉन पे भी हो रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है सेंटर की ओर? न्यूक्लियस। जब तुम किसी धागे से किसी पत्थर को घुमाते हो कोई, तो धागे के उस पत्थर को बार बार खींचता है, तभी वो सर्कुलर घूमता है, हर पल टेंशन लगता रहता है, इस पर एक फोर्स लग रहा है। तो क्या इस इलेक्ट्रॉन का मोशन एक्सीलरेटेड मोशन है? फोर्स है तो एक्सीलरेशन है। इसका फोर्स किसकी ओर डायरेक्टेड है? सेंटर की तरफ, और इस पर एक्सीलरेशन है। अच्छा, अगर एक प्रोटॉन हाथ में लेके ऐसे ऐसे हिलाना शुरू कर दो तो क्या होगा? प्रोटॉन, ये ठीक कह रहे हैं, जैसे ये इनका कहना जा रहा है, ये इनका कहना है कि यही तो रेडिएशन है। सन पर क्या हो रहा है? क्या सन पे बहुत सारे चार्जेस हिल रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ चार्ज हिल रहे हैं, और उसके हिलने से इतने रेडिएशंस निकल रहे हैं। When charged particle accelerates, then it emits radiation. Sun से जो हीट आ रही है, लाइट आ रही है, एक्सरे आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, गामा रेज आ रही है, माइक्रोवेव्स आ रही है, या इसके अलावा इंफ्रारेड आ रही है, या लॉन्ग रेडियो वेव्स आ रही है, या कुछ भी आ रही है, ये जितनी भी रेज आ रही है सब सन से आ रही है। तो अगर सन में से, सन में क्या हो रहा है बताओ? क्या सन में बहुत सारे पार्टिकल प्लस ऐसे चार्ज पार्टिकल हिल उड़ रहे हैं क्या? Yes, और इस वजह से सन में से ये सब चीजें आ रही है। अगर उनमें कोई पार्टिकल बहुत तेजी से हिल रहे हो तो क्या उनसे बहुत तेज वेव्स आएंगे क्या? बहुत तेज वेव, समझ में आए कि नहीं? अगर मान लीजिए किसी रस्सी को मैं तेजी से हिलाने लगूं तो क्या उससे जो वो बनेंगे ऑसिलेशंस क्या वो बहुत तेज बनेंगे? बोलो। और अगर धीरे धीरे ही ना हो तो तब तेज बनेंगे कि तेज में? बोलो तेज बनेंगे। जैसे ये देखो भाई, अगर हम ये स्लिंकी है, ये देखो, अब आप ये देख लो कि ये स्लिंकी है, क्या है स्लिंकी, ये क्या होता है, हम लोग सभी बचपन में इससे खेले हैं। देखो इसको हटाई तो ये देखो, अगर ये गामा रेस, देखो अगर ये चार्ज पार्टिकल है, ये मैं तेजी से करूं तो बोलो ये कौन सा ऑसिलेशन है बताइए? गामा रेडिएशन में अगर चार्ज पार्टिकल तेजी से ऑसिलेट करे तो तेजी से करेगा तो क्या है? आप करिए तो लोगों को दिखाओ, इधर से करो उधर से,
ऑसिलेट करा दो। देखो ये समझ आया कि अगर ऑसिलेशन होगा तो फेज ऑसिलेशन होगा और धीरे धीरे होगा तो फिर क्या होगा सक्सेस रे, और धीमे हो जाए तो क्या हो बताइए, और धीमे हो जाए देन इट इज बहुत धीमे हो जाए तो एक्स रे से फिर और हल्की, तो ज्यादा एनर्जी किसमें क्या गामा रेज में, गामा का नाम क्या है स्लिंकी भाई, ये लामा की दुकान में 50 रुपए मिलती है, समझ आई बात की नहीं, अब सस्ती होती तो सबको बता देता, इतनी महंगी चीज कौन ले। अब ये देखिए तो अगर बहुत ज्यादा एनर्जी है तो व्हेन चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट देन दे रेडिएट एनर्जी, व्हेन चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट का मतलब है कि ऑसिलेट करे तो वो भी एक तरीके का एक्सीलरेशन है क्या, जाके लौटना तो क्या एक्सीलरेट है, ये किसने कहा, इट रेडिएट्स बोलो एनर्जी, सर ड्रॉबैक ऑफ नहीं भाई, ये उदय वीर ने नहीं कहा, ये जेम्स मैक्सवेल ने कहा, उदय वीर ने तो अभी बताया कि जेम्स मैक्सवेल की थ्योरी, शरीर ये किसने बताया, शरीर नील बार की नहीं थी, नहीं जेम्स मैक्सवेल ने बताया, ये चीज किसने बताई, एस पर जेम्स मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसे क्या कहेंगे, एस पर जेम्स मैक्सवेल थ्योरी, सिर्फ इतना भी कह सकते हो जेम्स मैक्सवेल की थ्योरी थी कि चार्ज पार्टिकल अगर हिलेगा तो क्या उसमें से रेडिएशन निकलेंगे, क्या इनमें से चार्ज जा रहा है क्या इलेक्ट्रॉन, तभी लाइट जल रही है, क्या इन सभी तारों में से रेडिएशन आ रहे हैं, वो रेडिएशन इतने ज्यादा नहीं है कि हम उसे नोटिस कर सके, वो धीमे धीमे है तो उनसे हीट या दूसरे हैं, क्या ये जो हमारा मोबाइल इसमें भी चार्ज धीरे धीरे कंज्यूम हो रहा है, तो क्या इससे निकलने वाले रेडिएशन सब तरफ फैल रहे हैं और इसी से सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज गेटिंग कम्युनिकेट, वी गेट कम्युनिकेशन, क्यों, क्योंकि इससे जो रेडिएशन निकल रहा है, जो रेडियो वेव्स निकल रही है, क्या उन्हीं से सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, समझ आए कि नहीं, ये भी तो चार्ज और डिस्चार्ज होता है कि नहीं, तो जब चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा एक्सीलरेट करेगा तो उससे क्या होगा, एनर्जी रेडिएट्स एनर्जी, और इस जो रेडिएट हो रही है एनर्जी उस रेडिएशन को क्या कहेंगे, अगर सबसे तेज एनर्जी है तो क्या गामा रेडिएशन, गामा रेडिएशन बोलो, क्या ये गामा रेडिएशन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से भी निकलते हैं, और किसी के अंदर चले जाए तो जान नहीं ले सकते, सर मतलब यूरेनियम के पार्टिकल चार्ज होते हैं, यूरेनियम के अंदर कोई भी है कभी भी अगर उसमें से जो बड़ा पैकेट ऑफ एनर्जी निकला, अंदर तो सब कुछ हो ही रहा है, प्रोटॉन चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो चार्ज हिल रहे हैं उन्हीं की वजह से निकला वो, तो वो गामा रेडिएशन को निकाल कर ग्राउंड स्टेट में जाता है लेसर एनर्जी, तो गामा रेडिएशन है, अच्छा गामा से कम खतरनाक किसकी एनर्जी है, गामा की सबसे ज्यादा एनर्जी, अगर हमने स्लिंगी को बहुत तेज हिलाया, अगर चार्ज पार्टिकल बहुत तेज हिले, कितनी तेज हिले, 10^34 ऑसिलेशन पर सेकेंड, ये मजाक बात है क्या, इतने ऑसिलेशन पर सेकंड क्या आप कल्पना भी कर सकती हैं, 100 ऑसिलेशन पर सेकंड ब्लेड तो 10 बार करती है उसी में हालत खराब हो जाती है, हम तो 2-3 का ब्लेड, एक अगर ब्लेड होता ना रेजर ब्लेड कर दो तो 10 बार करती है, या स्केल को करके देख लो, अब 10^24 सोचो इतने जीरो इतने ऑसिलेशन पर सेकंड, प्रोटॉन इतनी बार हिले, सोच रहे हो एक सेकंड में इतनी बार हिल जाए, इतने तो जीरो ही हम सोच नहीं सकते, इट इज बियॉन्ड अवर लॉजिक, हमारे माइंड से ऊपर की बात है, हम सोच भी नहीं सकते ना, लेकिन इतने अगर हो तो क्या गामा रेडिएशन, और इससे कम हो जाए 10^26 तो क्या, ये ठीक है, क्यों इन्होंने कहा कि रेडिएशन की रेंज, इन्होंने उस दिन भी कहा था कि अल्फा बीटा पार्टिकल्स और गामा रेडिएशन, क्योंकि अब ये रेडिएशन की बात कर रहे हो, तो गामा रेडिएशन से कम रेडिएशन किसके हुए, 10^34 इसमें और 10^26 इसमें, इससे भी कम हो जाए तो क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, अगर एक्सरेज हमारी बोन में कितनी देर डाली जाती है, 10^-3 मिली सेकंड के लिए डाली जाती है, अगर ज्यादा देर तक डाली जाए तो क्या होगा, क्या वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, बोन में कुछ हो जाएगा, या किसी भी जो गर्भवती महिला है जो कोई भी ऐसा प्रेग्नेंट लेडी के अगर बच्चे पर अगर एक्सरे पड़ जाए तो क्या वो म्यूटेट पैदा होगा, लुल्ला लंगड़ा इतना ज्यादा होता है, अल्ट्रासाउंड से बच्चे की जांच होती है एक्सरे से नहीं होती है, या किसी भी बच्चे का कभी देखा है कि कभी एक्सरे हुआ, तो ये चीज है अल्ट्रावायलेट से भी कम क्या हुई, क्या विजिबल, मतलब अगर ये है 10^20 और विजिबल को जानते हो कौन कौन से,
विजुअल में सेवन रंग क्या है ये कभी सुना है? विविध ग्योर रेनबो, यस सर, रेनबो के फॉर्मेशन पे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर होते हैं क्या? yes, जो हम देख सकते हैं इनमें से रेनबो बनता है। अगर वही व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाए तो कहीं कलर्स में होगी। इसी को कहते हैं बयानी हकी नाला, कहते ही हैं हिंदी में, जो लोग हिंदी बोलते हैं घरों में, बैगनी, आसमानी, नीला, फिर हरा, पीला, ऑरेंज, नाला, नारंगी वाला, बयानी हकी नाला। समझाई बात नहीं? अच्छा, और अगर धीमे हो जाए तो क्या ये बात से आप सहमत हैं कि इसके ऑसिलेशन 10^15 है? Yes, sir. अगर चार्ज पार्टिकल इतनी बार ऑसिलेशन करें तो उसको हम देख सकते हैं क्या? yes, sir, उससे ज्यादा अगर ऑसिलेशन है तो क्या वो हमारी आंखों के लिए खतरनाक हो जाएंगे? क्या आपको इस बात की जानकारी है कि जो 200 लोग साउथ पोल पे एक्सपेरिमेंट करने थे वो यूवी की वजह से उनके आंखों की कॉर्निया जल गई और स्किन कैंसर हो गया यूवी की वजह से, क्योंकि वहाँ ओजोन लेयर में होल हो चुका है तो उनपे यूवी सीधा गिरी और वो बीमार हो गए, क्योंकि उनके ऊपर जो रेज गिरी क्या वो बहुत हार्श थी, एक तरह से एक्सीडेंट तो यही खतरनाक बस हो गए, कैंसर पार्टिकल बचे हैं, गामा गिरी होती तो पता ही नहीं चलता वहीं मर गए। अब एक्सरे भी गिरी तो थोड़े देर बाद नुकसान होगा, म्यूटेशंस होंगे उनकी बॉडी में। सर यूवी तो और देगा, यूवी से जैसे यूवी प्रोटेक्टिव लेंस लगे हैं, कई लोग चश्मा पहनते ही खरीद के लाए होंगे तो वहां पे उसने बताया जरूर होगा ये भी है, तो वहां बताया गया होगा कि ये यूवी का है, ये 1500 का है, ये 500 का, ये भी खरीदने के लिए बताता नहीं है क्या कि आपके कॉर्निया बंद कर जाता है? अच्छा, अगर मान लो और धीमे धीमे हो तब क्या कहते हैं? विजिबल रेनबो, ठीक कह रहे हैं। ये इंफ्रारेड, एक होता है वायलेट से भी ज्यादा तो अल्टीरियर टू वायलेट, और एक है रेड से भी गया गुजरा तो इंफीरियर टू रेड, समझ आया? इन सभी में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी? वायलेट की कि रेड की? रेड, ठीक कह रहे हैं। इसीलिए हम रेड लाइट जला के जोते हैं क्योंकि उसकी एनर्जी है ही नहीं। क्यों उन्होंने कहा कि रेड की सबसे कम एनर्जी? क्योंकि हम वायलेट चला के या ब्लू लाइट जला के पढ़ते हैं, मतलब हल्की सी बैंगनी रोशनी होती है। ब्लू की बात इस तरीके से नहीं है, जब कहीं पर वेल्डिंग हो रही तो आपको दिखता नहीं कि इसमें ब्लू लाइट निकल रही है ना, तो ज्यादा एनर्जी ब्लू के पक्ष में है कि रेड के पक्ष में? ब्लू, जैसे किसी फ्लेम में ब्लू फ्लेम आ जाए आपकी गैस में तो बड़ी तेज है, और जब बुझने वाली होती है तो रेड नहीं होने लगती, तो बोलो किसमें ज्यादा है एनर्जी? ब्लू, ब्लू में ज्यादा है। तो अगर रेड से भी कम हो तो उसे क्या कहते हैं? ये ठीक कह रहा है, इसको कहते हैं इंफ्रारेड। हम क्या हम सभी की बॉडी से इंफ्रारेड रे निकल रही है? हम सभी बॉडी, अगर इस घर इस कमरे की सारी लाइट ऑफ कर दी जाए तो और सब बिल्कुल गुप्त अंधेरा हो तो भी क्या हम लोगों की फोटो खींची जा सकती है? हर चीज जिन्हें मालूम है आपको, इनके पापा साइंटिस्ट है, ये देखो क्यों इन्होंने ये क्यों कहा कि यही वो कैमरा, यही चीज तो इन्होंने कही कि ये ग्रीन ग्रीन है। हम लोग भी जब ट्वाइस में या कहीं बॉर्डर पर 2 साल नौकरी किए तो अंधेरे में देख लेते थे इसमें से, ये जो है इंफ्रारेड कैमरा। अगर इस कमरे की सब लाइट ऑफ कर दी जाए तो जैसे बिग बॉस में रात को भी सब कैमरे सब देखा करते हैं, कैसे देखा करते हैं, सब तरफ तो अंधेरा है लेकिन उसमें ये यही इंफ्रारेड कैमरा। या कभी आप प्रगति मैदान गए हो और वहां पर बिल्कुल दिल्ली में लगता है फरवरी में अभी मेला लगेगा तो वहां पर आप देखोगे वो बिल्कुल अंधेरे कमरे में ले जाएगा, क्या इंफ्रारेड कैमरा 5000 की रेंज से शुरू, अंधेरे में भी फोटो खींचो। आजकल कितने मोबाइल आ गए जो इंफ्रारेड कैमरे से लेस है, नाइट विजन कंपैटिबल है। तो मेरा ये कहने का मतलब है अगर चार्ज पार्टिकल और धीरे धीरे चले तो वो क्या इंफीरियर टू रेड है? यस सर। क्या आप ये कहते हो कि हम सभी की बॉडी से इंफ्रारेड रेज निकलती हैं और उस रेज को क्या ये कैमरा कैच कर लेता है? बोलो। यस सर। जब कोई हॉट बॉडी से जो रे निकले उसे क्या कहते हैं? क्या इंफ्रारेड रेज? बताओ धरती से निकलने वाली रेस कौन सी है? क्योंकि धरती गर्म है तो इससे निकलने वाली रेस का इंफ्रारेड है। क्या जब मम्मी तवा में रोटी सेक रही होती है तो उनके तवे से निकलने वाली रेस कौन सी? तो जो भी हॉट बॉडी है या गर्म बॉडी है उनसे निकलने वाली रेस कौन सी है? इंफ्रारेड रेस को क्या हम देख सकते हैं? क्या तवा अगर गर्म देख पाओगे? क्या हो सकता है ये कैमरा देख ले, ये सेंस कर लेगा लेकिन हम नहीं देख सकते हैं। yes, तो इंफ्रारेड रेस कैन नॉट बी सीन। हम लोगों की बॉडी से हीट निकल रही है। अगर एक सांप तो नहीं देख सकता है, सांप के सामने रबड़ का चूहा रखो और एक असली चूहा रखो, वो असली चूहे को क्यों लपकता है? क्योंकि इंफ्रारेड, क्योंकि उससे जो निकलने वाली हीट वेव से क्या उसको सेंस कर लेता है। गलती से भी रबड़ का चूहे को नहीं पकड़ता। सर जब हम फोन यूज करते हैं वो भी हमारी इंफ्रारेड रेज ही लेता है, इंफ्रारेड रेज। ब्रॉड एंड क्लोज ना आपको
तो अब ये बात समझ में आई, विजिबल के बाद कौन सी हुई? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, और उससे भी कम कौन सी हुई? रेडियो वेव, जो मोबाइल से निकल रही, इसमें तो गर्मी भी नहीं रह गई, इतनी कम है। यानी इसे क्या कहते हैं? रेडियो वेव्स। और उससे आगे क्या होगी? लॉन्ग रेडियो वेव्स, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। ये सारे रेडिएशन जो मैं बता रहा हूँ, इन रेडिएशन का क्या नाम है? क्या चार्ज पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव किया कभी आप? चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर जाए, तो चार्ज पार्टिकल के मूव करने से ये रेडिएशन निकले, तो क्या इन्हें इलेक्ट्रो रेडिएशन कहें भाई चार्ज पार्टिकल से? लेकिन क्या अगर चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूम जाए तो उससे क्या मैग्नेट बन जाएगा? कभी आपने सोचा है कि अगर चार्ज पार्टिकल को मैं यहां पर एक तरफ करंट लगाऊं और गोल गोल घूम के यहां तक आ जाए, चार्ज करंट लगाया अभी और यहां से गोल गोल घूमता आ जाए, तो क्या ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल हो जाएगा और तब ये सॉलिनॉइड बन जाएगा? समझ में आई बात की नहीं? तो चार्ज पार्टिकल व्हेन रिवॉल्व्स इन ए सर्कुलर पाथ, तो चार्ज पार्टिकल जब भी चलेगा उसके चारों तरफ मैग्नेटिज्म होगा ही होगा। उसके चारों तरफ क्या होगा? मैग्नेटिज्म। व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स देन इट क्रिएट्स, इससे क्या पैदा होता है बोलो? मैग्नेटिज्म। जैसे ये देखो, चार्ज पार्टिकल जब चलेगा तो सर ये क्या है? ये भी सॉलिनॉइड, ये एक तरीके का मैग्नेट है, ये कॉपर का है आप देखो। सो ये कॉपर का कॉइल है, अगर इसको हम अभी अगली क्लास में ये जल्दी है इसको दिखाएंगे कैसे मैग्नेट होता है, तो सॉलिनॉइड है। आप क्या जो मोटर है उसमें इसी से मैग्नेट बन जाता है, ठीक है? तो सॉलिनॉइड का काम क्या है कि चार्ज पार्टिकल को क्या सर्कुलरली वो करना है, देन इट बिकम्स मैग्नेट, इज इट करेक्ट? समझ में आई बात की नहीं? तो इट इज सॉलिनॉइड। और ज्यादातर भाई आपने सॉलिनॉइड की ट्रेन देखी है कि नहीं देखी है? तो मैं दिखा दूंगा अभी YouTube में। इस, कुछ नहीं, इसमें एक बैटरी डाल दो, इसके अंदर एक बैटरी, वो घूमती रहेगी पूरे दिन, कुछ करना नहीं है। अभी हमने बना दिया, इसके अंदर एक पतली सी जो होती नहीं, इसी की मैं निकाल के डाल दूंगा, यही रिमोट वाला, अभी ये घूमने लगेगी, इसको कहेंगे सॉलिनॉइड ट्रेन। समझ आई बात की नहीं? तो दिस इज सॉलिनॉइड ट्रेन, लेट अस सी इट। तो अब क्या एक क्योंकि बैटरी में चार्ज है और वो सर्कुलर घूमे तो क्या मैग्नेट बन जाए? तो नाउ इट इज कॉल्ड सॉलिनॉइड। जैसे कईयों के घर में छोटे बच्चे होंगे तो आप लोग कहते हो बच्चों हम तुम्हारे लिए सॉलिनॉइड ट्रेन लाएंगे, कहते हो कि नहीं? वही चीज है। तो सॉलिनॉइड ट्रेन चेक कर लो, फिर हम आगे बढ़ जाएं। ये देखो, इसी को देख लो, ये देखो, सिर्फ हमने ये लिया और मैग्नेट लगा दिया इसमें और इसमें डाल दिया। अब ये देखो ये क्या है? अच्छा, बैटरी में छोटे दो मैग्नेट लगा दिए और इसमें डाल दिया। अब इसे और आगे देखो, ये देखो मिला दिया। अब ये इनका खेल चालू है, बच्चे के लिए खिलौना बन गया। कुछ कर रहे बट इट इज नॉट द केस भाई, ये हमारा केस तो है नहीं, हमें इन सबसे मतलब नहीं। लेकिन इतना बताओ, क्या चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेट करे तो क्या रेडिएशंस निकले? ये सब रेडिएशंस, रेडिएशंस का मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी क्या? यस सर। और चार्ज पार्टिकल से ही क्या मैग्नेटिज्म भी पैदा होता है? यस सर। सर्कुलर पाथ। इस वजह से इन रेडिएशंस को हम क्या कहेंगे? क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, क्योंकि मैग्नेटिज्म भी है और चार्ज तो वही है। तो ये सारे रेडिएशन क्या कहते हैं? क्या ईएम वेव्स, इनका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये बिल्कुल वेवी नेचर में चलते हैं, जैसे स्लिंके में नहीं ऐसे ऐसे चल रहे। तो चूंकि ये वेव्स भी हैं और इनमें इलेक्ट्रिक फीचर भी है और मैग्नेटिक ओरिजिन भी है, इसलिए इसका पूरा नाम क्या है? या तो इसे ईएम वेव्स कहो या इसका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अभी तक हमने जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताए उनको क्रम से बताओ, सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाली कौन सी है? गामा। फिर सर एक्स। फिर यूवी, अल्ट्रा वायलेट, अल्टीरियर टू वायलेट, वायलेट से भी सुपीरियर। फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड और फिर रेडियो वेव। हाँ देखो, इसमें हमने एक चीज छोड़ दी, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव। देखो यहाँ हमने एक चीज छोड़ दी, क्या है? माइक्रो। क्या हमारे ओवन में भी एक रेज निकलती है? माइक्रोवेव। तो
ये सारी इतनी रेज निकलती है, तो इनको क्या कहते हैं कि व्हेन चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस व्हिच मूव इन ए वेवी पाथ. यस सर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. वो बोलो बात समझ आई सर? ईएम वेव्स हैं सारे, सर सारे ईएम वेव्स हैं. इनमें पार्टिकल नहीं आएंगे, जैसे अभी पवन ने बोला था अल्फा बीटा पार्टिकल भी आ जाएंगे. क्या पार्टिकल आएंगे? नो, दीज आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी व्हिच मूव्स लाइक वेव. बोलो बात समझ आई? सो इट रेडिएट्स एनर्जी व्हिच आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसका ओरिजिन है. चार्ज जहां होगा वहां वहां मैग्नेटिज्म होगा ही. चार्ज से ही तो मैग्नेट बनता है. yes, sir. तो उससे चार्ज से मैग्नेट बन जाएगा. आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, वो हम सारे प्रैक्टिकल आपको जैसे जैसे ऊंची क्लासेस में आप जाएंगे हम करके दिखाते जाएंगे. तो दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रो. अब देखो रदरफोर्ड क्या था. रदरफोर्ड, अगर चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा है तो क्या उसे एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए? yes, sir. करनी चाहिए. तो ये क्या एक्सीलरेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन? yes, तो क्या इसे यहाँ से एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए? yes, sir. अगर ये एनर्जी रेडिएट कर दे तो क्या इसकी इस एनर्जी कम हो जाए? कोई भी चीज. अच्छा ये बताओ, ये चीज है ये पेन के पास, बताओ प्रत्युष यहाँ जा रहा है एनर्जी की यहाँ? सर दोनों जगह से यहाँ जा रहा है. क्यों इन्होंने कहा यहाँ जा रहा है? भाई सबसे पहले उदयवीर ने बताई बात कि बोले जब हम इसको यहाँ लेके आते हैं यहाँ से पेन गिरे तो ज्यादा काम करेगी यहाँ से. भाई ये गुलदान वहां रखा हुआ है, अगर वो वहां से गिरे तब ज्यादा काम हो कि ये नीचे रख दो तब लुढ़के तब. तो क्या यही कंजर्वेटिव फोर्स है और ये पोटेंशियल एनर्जी है? कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटी के अगेंस्ट में अगर हम काम करें तो क्या मेरा काम जमा हो जाएगा? मैंने इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट में उठाया और वहां रख दिया और 100 साल बाद आके कहूं जरा मेरा काम दो वापस और नीचे का कंस्ट्रेन हटा दूं तो क्या ये उतना काम दे देगा? भाई तुमने हमें यहां रखा था, अब लो मैं इस हमने एसी को ऊपर टांग दिया तो मैंने किसके अगेंस्ट में टांगा है? ग्रेविटी. तो क्या मैंने जो टांगा है मेरा काम जमा हो गया? yes. अगर मैं इसके हुक हटा दूं, रिविट हटा दूं तो क्या ये गिर के मुझे उतना ही एनर्जी देगा? ये पुस्तकें यहाँ से गिराई जाए तो उतना ही हमें एनर्जी देंगी जितना हमने इन्हें रखने में मेहनत की. yes, sir. तो व्हेन वर्क इज डन अगेंस्ट ए फोर्स एंड योर वर्क इज गेट डिपॉजिटेड कंजर्व जमा हो जाए तो उसे उस फोर्स को क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स. क्या ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है? yes, अच्छा फ्रिक्शन में देखो, मैंने फ्रिक्शन के अगेंस्ट में पेन खिसकाया, अब मैं कह रहा हूं तुम वापस आओ मेरा काम तो करेगा. बोलेगा भूल जाओ. तो अब ये फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव? नॉन कंजर्वेटिव. हमारा काम खो गया. अच्छा दो चार्ज को पास लाओ, मेहनत करके ला रहे हो और अब बताओ जब छोड़ोगे तो भागेंगे क्या? yes, तो क्या मेरा काम जमा हुआ कि खो गया? तो ऐसे ही कह रहे हैं. इन्होंने क्यों कहा जमा हुआ? मतलब इन्होंने कहा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को लाओगे और अगर मान लो जो कंस्ट्रेंट्स हैं दीवारें हटा दो तो क्या वो भाग जाएंगे? चुंबक को पास लाओ, मैग्नेट को, नॉर्थ नॉर्थ को हमने मेहनत से काम किया. बोलो अगर हटा देंगे उनके बीच का कंस्ट्रेंट तो क्या वो भागेंगे? हाँ ये सर. तो बोलो मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव हुआ कि नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव. और इसी तरीके से चार्ज को लाए हूं प्रोटॉन प्रोटॉन को, कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव? स्प्रिंग को मैंने खींचा मेहनत से और फिर छोड़ा तो क्या वापस आ जाएगी? जमा है काम. तो स्प्रिंग फोर्स कैसा है? फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्थ और साउथ, वो जो भी हो. अगर नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट हुए हैं तो नहीं सर, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है. पॉजिटिव नेगेटिव को प्रयत्न से दूर करो और जब छोड़ोगे तो क्या अट्रैक्ट हो जाएंगे? जैसे हमने पेन और इसको प्रयत्न से दूर किया और छोड़ा तो अट्रैक्ट हुए. तो वो एक नेचर है तो उसके अगेंस्ट काम करना है ना. तो अब आप समझ में आए. अब ज्यादा इंच पे आओ, ड्रॉबैक पे. व्हेन चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट्स देन इट रेडिएट्स एनर्जी. इस बात को लिखो, दो मिनट का ड्रॉबैक इसे. एज पर जेम्स मैक्सवेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रॉबैक ऑफ किसका है? अब देखो ड्रॉबैक निकाला जेम्स मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. तो सर आपने वो जो लिखा था वो क्या था? अब मैं ऐसे ही बता दूं उनकी थ्योरी और आप कहोगे सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? अब एक टर्म के लिए मुझे इतना सब बताना पड़ा? yes, नहीं तो आप पूछोगे ये होती क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी? थ्योरी क्या है? व्हेन एज पर जेम्स मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, व्हेन चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट इट रेडिएट्स एनर्जी. वो एनर्जी इसमें से कुछ भी हो सकती है.
व्हेन चार्ज पार्टिकल, देखो एक्सीलरेशन यहां दिखा भी रहा हूं चित्र में, व्हेन चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट्स इट रेडिएट्स एनर्जी, एनर्जी अगर तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को रेडिएट करनी चाहिए एनर्जी, करनी चाहिए, एक्सीलरेट कर रहा है कि नहीं, और अगर ये रेडिएट कर रहा है तो क्या इसकी एनर्जी कम हो जानी चाहिए, अगर मान लो स्पेन की एनर्जी कम हो तो ये अर्थ के पास आए कि दूर जाए, क्योंकि अभी तो बता दिया था दूर है तो ज्यादा एनर्जी है और पास में कम है कि नहीं, तो इलेक्ट्रॉन इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक्सीलरेट सो इट शुड रेडिएट एनर्जी, बोलो बात सही है, इलेक्ट्रॉन इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक्सीलरेट्स सो इट शुड रेडिएट एनर्जी, तो अगर उसे एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए तो क्या इसे इसके पास आ जाना चाहिए, क्लोजर, देखो मैंने पास ले आया, इधर ले जाना चाहिए, इधर आ जाना चाहिए, इधर ना जाए, क्योंकि जब रेडिएट करे तो राइट हो जाएगा ना, देखो इधर आना चाहिए पास, अगर ये इलेक्ट्रॉन पास आ जाए अभी भी रेडिएट करेगा क्या, यस, तो और पास आ जाए क्या, और पास आ जाए, और पास आ जाए, इसे गिर जाए, धीरे धीरे पास आता जाए, घूमता रहे लेकिन पास आता जाए, ऑर्बिट सिंक हो जाए, मतलब वो अनस्टेबल होता है, फिर तो अनस्टेबल हो गया, इनकी ऑर्बिट ही नहीं, और ऐसा ये 10^-8 सेकंड में ही कर देगा, यानी आप समझे एक सेकंड के 10^6 एक मिलियन होता है, फिर 10 मिलियन 1 करोड़ और 10 करोड़ में हिस्से में ही कर देगा, एंड रेडिएट एनर्जी एंड कम क्लोजर टू, और किसके क्लोजर है सर ये सब कैसे कैलकुलेट किया कि 10 करोड़ सेकंड, ये सब साइंटिस्ट जानते हैं, अभी हम आपको बता दें, अभी 10th में चले जाओ, हम बता दें अभी नहीं बता पा रहे क्योंकि अभी हमने आपको जो है इसके सर्कुलर यूनिफॉर्म लॉ के मोशन की चीजें नहीं बताई, एक दो सूत्र में पता चल जाएगा कि कितनी देर में आएगा, बच्चे पता लगा लें, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा और साइंस बतानी है, तो ये सभी साइंटिस्ट बता रही है कैसा मॉडल है, ये तो जेम्स मैक्सवेल की थ्योरी को ही नहीं सपोर्ट कर रहा, तो सो इट शुड रेडिएट एनर्जी एंड कम क्लोजर टू न्यूक्लियस इन ए स्पाइरल पाथ, स्पाइरल जानते हो, yes, sir. स्पाइरल वो एक स्प्रिंग होती है ना, जैसे सांप नहीं घूमा रहता है अपने कुंडली बनाकर, तो वही तो स्पाइरल है, सो कम क्लोजर टू न्यूक्लियस इन ए स्पाइरल पाथ एंड फॉल, और किस अंत में क्या हो जाए, क्या उसी में न्यूक्लियस में गिर जाए, एंड फॉल इन साइड न्यूक्लियस, ठीक है, दिस शुड हैपन, दिस विल हैपन इन 10^-8 सेकंड, दिस विल हैपन इन 10^-8 सेकंड, सो रदरफोर्ड मॉडल इज नॉट स्टेबल फॉर मोर देन 10^-8 सेकंड, सो रदरफोर्ड मॉडल is not stable, क्योंकि उनकी orbit ही stable नहीं है, hence it is failed, और इस वजह से क्या हो गया, so it is failed, वैसे इतनी सी बात हो गई, समझ में आ गई बात, yes, कितना ही रखो